किस क्षेत्र में इतनी डर दहशत की राजनीति है, और यदि आप इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे तो 67 लोग भी नहीं मिलेंगे जो खुल करके विरोध कर सके, खुल करके गोपाल भार्गव की बुराई कर सके। यदि कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उस पर FIR दर्ज कराई जाती है और उसको जेल भेजा जाता है। मुझ पर 13 केस है, मेरे 3 गुट अलग अलग चल रहे हैं और आपके साथ भी समर्थकों की उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही, क्या वजह है? मतलब हम लोगों को मना करना पड़ता है कि आप लोग परेशान मत होइए, आप अगले दिन के लिए अपनी एनर्जी बचा के रहिए, इतने ज़्यादा समर्थक, इतने ज़्यादा लोग। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में आपके द्वारा कुछ इस तरह के अनर्गल बातें कही गई जिसको लेकर लोगों ने आपका विरोध करना, जो खुद बड़े धुर कांग्रेसी हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, तो ये ऐसी नौबत क्यों आई या ऐसा क्या हो गया कि? गोपाल भार्गव का षड्यंत्र है, अब उन्हें जब अपनी सामने हार दिख रही है, अब उन्हें दिख रहा है कि अब तो बस खत्म होने वाला है सब कुछ, तो एक तो वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये भी सुनने में आया था कि आप तो गोपाल भार्गव से भी पैसे मिले हैं और कांग्रेस पार्टी से भी आपने पैसे लेकर ये काम, बगावत वाला काम किया। गोपाल भार्गव अपने बेटे की कसम खा के कह दें कि मैंने पैसे लिए हैं तो मैं स्वीकार कर लूँगी। जिस मंत्री को रोजगार बांटना चाहिए क्षेत्र में, वो चूड़ियाँ बांटने का काम कर रहे, कितनी शर्म की बात है। सरकारी जमीन थी, उस पर इन्होंने अपना 200 करोड़ का मॉल बनाया है, तो अब निश्चित रूप से समय आ गया है अब वो मॉल को भी उखाड़ फेंकने का, और जितनी भी सरकारी जमीन है इनने कब्जा करी है। जब आप ये सोचिए कि गोपाल भार्गव एक जनप्रतिनिधि विधायक हैं, मंत्री भी रहे, आप जब और इनका इंटरफेयर जनपद जिला तो ठीक है, पंच और सरपंच में भी रहता है, और हम सभी लोग प्रतिबद्ध थे कि अब गोपाल भार्गव को हराना है, बस कांग्रेस का विधायक बनाना है। तो इस समय हम रहली विधानसभा क्षेत्र में हैं और रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की टिकट आखिरी समय पर फाइनल हुई है और यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जो नाम सामने निकल कर आया वो ज्योति पटेल का नाम है। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए और राजनीतिक जो अनुभव है उसके लिहाज से देखा जाए तो जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं क्षेत्र के उनके मुकाबले काफ़ी कमतर हैं, लेकिन एक युवा जोश है जिसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश ज्योति पटेल द्वारा की जा रही है और शायद यही वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो आज हम बात करेंगे, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला और पेप्टिक टाइम के लिए हम ज्योति पटेल से जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए लोगों को बार बार सोचना पड़ता है क्योंकि एक इतना लंबा समय अंतराल है जब से कांग्रेस यहाँ पर लगातार हारती चली आई है, तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ से टिकट लाने का और चुनाव लड़ने का जो डिसीजन था क्या सोच कर लिया गया? सबसे पहले तो पेप्टिक टाइम न्यूज़ चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ दर्शकों तक पहुँचेगी, जनता तक पहुँचेगी। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर चुनाव लड़ने का के लिए लोग सोचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे रहली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 8 दावेदार थे और 8 दावेदारों ने मिलकर के पूरे क्षेत्र में काम किया, और निश्चित रूप से 8 दावेदार नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन जानती है कि यदि वाकई में ईमानदारी से इस क्षेत्र में चुनाव हो जाए तो 8 दावेदार क्या, इस रहली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति 241,000 मतदाता है, उन 241,000 मतदाताओं में से कोई भी व्यक्ति एक चुनाव लड़ जाए और ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस का इधर विधायक बनेगा। परंतु होता यह है कि गोपाल भार्गव बूथ कैप्चरिंग की राजनीति करते हैं और उसमें लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, और कोई भी फंडा नहीं है और कोई भी जादू नहीं है, ना कोई भी उनका विकास है ऐसा जी। ये जो आपने बात कही है कि तो क्या केवल विधानसभा चुनाव में ये बूथ कैप्चरिंग या ये सीमित रहता है या फिर जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, इनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। निश्चित रूप से ये केवल विधानसभाओं में नहीं, जब आप ये सोचिए कि गोपाल भार्गव एक जनप्रतिनिधि विधायक हैं, मंत्री भी रहे, आप जब और इनका इंटरफेयर जनपद जिला तो ठीक है, पंच और सरपंच में भी रहता है, और जैसे मैं अभी जिला पंचायत की सदस्य हूँ और भी हमारी कांग्रेस पार्टी से 2-3 लोग और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, हर जगह उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करी, परंतु अब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनकी बूथ कैप्चरिंग को अब फेल कर देंगे, और अब
इस विधानसभा चुनाव में भी सबने ठान लिया है कि कोई एक सिंगल पोलिंग पर भी, 300 पोलिंग है हमारे यहाँ, 300 पोलिंग में से एक पोलिंग पर भी कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। और अब सब लोगों ने मन बना लिया है, कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है कि अब गोपाल भार्गव को इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर करने का समय आ गया है। अभी मैंने मार्केट में और गढ़ाकोटा में भी लोगों से बातचीत की तो ये चीज़ निकल कर सामने आई कि बहुत सारे लोग बोलने से या तो बच रहे हैं या फिर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कोई भी कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले इक्का दुक्का लोग मिले या फिर उस चीज़ को लेकर के उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने गरीबी बेरोजगारी की बात करी है, तो आपको क्या लगता है इतने वर्षों से लगातार सत्ता में काबिज रहने और मंत्री पद, नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर आसीन रहने के बावजूद ये गरीबी बेरोजगारी पलायन क्यों है यहाँ पर और लोग बोलने से क्यों बचते हैं, क्या वजह है? देखिए, वही आपको बताना चाह रही हूँ कि इस क्षेत्र में इतनी डर दहशत की राजनीति है कि आज यदि हम बात करें 2018 के चुनाव की तो उस समय पे 67,000 वोटें मिली थी, और यदि आप इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे तो 67 लोग भी नहीं मिलेंगे जो खुल करके विरोध कर सकें, खुल करके गोपाल भार्गव की बुराई कर सकें। आपको हर व्यक्ति ये कहता हुआ मिलेगा कि हम तो गोपाल भार्गव के हैं। ये इतनी डर दहशत की, आप खुद सोचिए ना इस बात को कि 67,000 वोटें आती कहाँ से हैं। गोपाल भार्गव को यदि 94,000 वोटें मिलती हैं और 67,000 वोट कांग्रेस को मिलती है और लोग बोलने को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जग जाहिर है कि यहाँ पर डर दहशत की राजनीति है। यदि कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उस पर FIR दर्ज कराई जाती है और उसको जेल भेजा जाता है। मुझ पर 13 केस है, मेरे जो समस्त कांग्रेसी साथीगण हैं उनको, कई लोगों को जेल भेजा है, 10-10, 20-20 FIR, ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है जिस पर FIR दर्ज ना हो। तो क्यों है FIR, क्यों उनको हम लोगों को डर लग रहा है? जनता उनके खिलाफ नहीं बोल पा रही है। कोई कुछ खिलाफ में बोलता है तो उसका या तो नौकरी करता है घर में तो ट्रांसफर करा जाता है, उसकी कुटीर रोक दी जाती है, उसके सारे जो सरकारी योजना के लाभ है वो सारे रोक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डर दहशत की राजनीति है। चलिए, ये बात तो हो गई कि मंत्री जी का क्या काम है, अब बात आते हैं आप पर और कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया और जो देखने में सामने आया है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही एकजुट नहीं है, तीन गुट अलग अलग चल रहे हैं और आपके साथ भी समर्थकों की उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही, क्या वजह है? देखिए, शायद आपने देखा नहीं होगा कि समर्थकों की कितनी भीड़ है। मतलब हम लोगों को मना करना पड़ता है कि आप लोग परेशान मत होइए, आप अगले दिन के लिए अपनी एनर्जी बचा के रहिए। इतने ज़्यादा समर्थक, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन हमारे साथ प्रचार में आ रही है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि टिकट की, बहुत सारे दावेदार हैं तो आज हमारे साथ जो 8 दावेदार थे तो 8 दावेदार में से 7 दावेदार साथ में हम लोगों ने प्रचार किया। एक दावेदार जो पूर्व प्रत्याशी रहे कमलेश साहू जी, वो हमारे चाचा हैं, हमारी बात हुई उनसे, अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और वो 2 दिन बाद हम लोग के साथ निकलेंगे। और हम लोग 8 दावेदार, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और समस्त हमारा क्षेत्र की जनता जनार्दन साथ निकलेगी और अब जीत जिताने के लिए कांग्रेस का, मैं नहीं, शायद किसी को भी टिकट मिलती हम 8 दावेदारों में से, हम सभी लोग प्रतिबद्ध थे कि अब गोपाल भार्गव को हराना है, बस कांग्रेस का विधायक बनाना है। आप पटेल कुर्मी समाज से आती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, आप ही की पार्टी के एक सीनियर लीडर जीवन पटेल जी हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में आपके द्वारा कुछ इस तरह के अनर्गल बातें कही गईं जिसको लेकर लोगों ने आपका विरोध करना, जो खुद बड़े धुर कांग्रेसी हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, तो ये ऐसी नौबत क्यों आई या ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही? देखिए, ये तो सब मैं समझती हूँ कि गोपाल भार्गव का षड्यंत्र है। अब उन्हें जब अपनी सामने हार दिख रही है, अब उन्हें दिख रहा है कि अब तो बस ख़त्म होने वाला है सब कुछ, तो एक तो वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कई करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके की अनर्गल चीज़ें जो कई सालों पहले घटना हुई थी, उन चीज़ों को वायरल करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो घबरा रहे हैं हम सबसे। हमारी सबकी एकजुटता जो है, हमारी सब कांग्रेसियों की जो एकजुटता, जीवन जी से कैसे संबंध है आपके, वो रहेंगे आपके चुनाव? जीवन पटेल जी हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे नाना लगते हैं और साथ ही हमारे मार्गदर्शक भी, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीनियर भी हैं, तो सभी लोग उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें लगातार। अभी चूंकि पन्ना का प्रभारी बनाया गया था तो वो 2-3 दिन वहाँ का काम निपटा के यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए, जो आपने बात की कि गोपाल भार्गव पैसों की राजनीति और उसको दबाव बना के काम कर रहे हैं, अगर आपकी बातचीत की जाए तो पिछले चुनाव में आप पर ये आरोप आए थे सामने कि आपके पास भी, आपने भी पैसों की राजनीति की है, पैसों का लेन देन किया है। आपको ये भी सुनने में आया था कि आप तो गोपाल भार्गव से भी पैसे मिले हैं और कांग्रेस पार्टी से भी आपने पैसे लेकर ये काम, बगावत वाला काम किया।
देखिए आज मैं यदि खुल के बोल पा रही हूँ ना, इस आँखों में आँखें डाल के गोपाल भार्गव के सामने बोल सकती हूँ। गोपाल भार्गव अपने बेटे की कसम खा के कह दें कि मैंने पैसे लिए हैं तो मैं स्वीकार कर लूँगी, है ना। तो और आँखों में आँखें डालने के लिए तैयार हूँ, और आज ये विरोध कर पा रही हूँ तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने पैसे लिए थे। आज गोपाल भार्गव डर रहे हैं तो जो आप जो बातें कर रहे हैं ये उनकी बातें हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बातें हैं, और अब निश्चित रूप से उनको अपनी हार सामने दिख रही है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। और उनका काम है ये, पिछले बार मुझे टिकट नहीं मिली थी, कमलेश साहू जी को टिकट मिली तो मुझे भड़काने का काम करते थे, और अब इस बार मुझे टिकट मिली बाकी दावेदारों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो फूट डालो शासन करो की नीति जो अंग्रेज अपनाया करते थे वह गोपाल भार्गव अपना रहे हैं, परंतु अब वो आज़ादी का समय आ गया है जो 1947 के समय पे था, और अब जो 2023 का समय वही समय है जब हम सब लोग एकजुट हैं, और केवल ईश्वर से इस नवरात्रि में माता रानी से यही प्रार्थना है कि अब इस क्षेत्र को आज़ादी दिला दें। और समस्त जनता जनार्दन से भी इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करती हूँ कि अब साथ आइए, इस महायज्ञ में अपनी आहूति दीजिए, और गोपाल भार्गव जैसे गुंडे बदमाशों की दहशत और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले से लोगों को खत्म करिए, राजनीति से खत्म करिए और इस क्षेत्र से भगाइए। आपका जो क्षेत्र है पूरा विधानसभा क्षेत्र, उसमें जो आंकड़ा है पटेल कुर्मी समाज का बाहुल्य है, बहुत बड़ी संख्या है, 30% से ऊपर मेरे ख्याल से संख्या है, तो क्या चुनाव में इस संख्या बल का इफेक्ट नहीं पड़ता, या बहुत सारे चुनाव जो है जाति पर आधारित होते हैं, क्या इस क्षेत्र में उस संख्या बल का फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस ने एक महिला को टिकट दिया है, बहुत सारे जो वादे किए थे उनमें से एक ये भी चीज़ें हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, 33% आरक्षण की जो बात है, हालाँकि 33% नहीं है, 13% ही है, लेकिन भाजपा से 1% ज़्यादा है। तो ये जो जातिगत गणित है ये आंकड़ा क्यों नहीं कांग्रेस के साथ फिट बैठता। देखिए अभी तक जो भी रहा हो, और आप जो जाति की बात कर रहे हैं तो मैं जाति की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और एक जाति यदि मेरी जाति जितनी भी है यदि वो पूरी की पूरी वोट दे दे तब भी मैं चुनाव नहीं जीत सकती, तो जाति की राजनीति नहीं करती पहली। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं, मैं किसी एक जाति की नेता नहीं हूँ, पूरा क्षेत्र जो है वो सपोर्ट कर रहा है, पूरा क्षेत्र समर्थन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है मुझे, और हम समस्त कांग्रेस के जो लोग हैं नेता हैं वो समस्त लोग हमारे साथ हैं। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं महिला आरक्षण की बात, तो सागर जिले में हमारे 8 विधानसभा हैं, उनमें से 4 महिलाओं को टिकट मिला है, 50% आरक्षण सागर जिले में है, तो समस्त महिलाएं समझ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोचती है, तो अब पूरी की पूरी महिलाएँ, चूँकि महिलाएं तो मेरे साथ हमेशा रहती हैं, चूँकि मैं महिलाओं की लड़ाई हमेशा लड़ती रहती हूँ, चाहे शराबबंदी अभियान के माध्यम से हो, गुलाबी गैंग एक मुहिम हमने चलाई थी, हम लगातार मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहती हूँ, तो महिलाएं मेरे साथ हैं, और इसका यही नतीजा है कि गोपाल भार्गव जी ने अपनी बहू के द्वारा पूरे क्षेत्र में चूड़ियाँ बांटने का काम किया, तो इसका निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में विरोध भी है। कि आप ये बताइए कि क्या उनकी महिलाएँ पहले चूड़ियाँ कभी नहीं पहनती थी, जिस मंत्री को रोजगार बांटना चाहिए क्षेत्र में वो चूड़ियाँ बांटने का काम कर रहे, कितनी शर्म की बात है। आप पैसे बांट के वोट ले रहे हो, चूड़ियाँ बांट के वोट ले रहे हो, तो आपको अपने विकास पर भरोसा नहीं होगा फिर। एक सवाल इसी विकास से और रोजगार से बात आती है कि बहुत सालों पहले उन्होंने मंचों से और कई बार ये घोषणा की थी कि क्षेत्र में शुगर मिल लगाई जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से शिलान्यास भी हुआ था, और वो बता रहे हैं लोग कि अब वो पत्थर भी नहीं दिख रहा है, हर घर से एक व्यक्ति को रोज़गार देने की बात हुई थी, तो ये मुद्दे क्या ये कांग्रेस ने कभी ये नहीं उठाया कि ये वादे किए गए थे, बातचीत की गई थी, और आखिरकार उस वादे का क्या हुआ, या जनता ये सवाल नहीं करती है कि रोज़गार की जब बात आती है और ये वादे किए गए थे तो वो रोज़गार कहाँ है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है, और जनता ये कांग्रेस बात करना तो दूर की बात, ये बच्चा जानता है इस क्षेत्र का कि गोपाल भार्गव जी ने शुगर मिल की बात कही थी कि शुगर मिल लगाएंगे, लोगों ने अपने खेत में गन्ना लगाए, और उसके बाद फिर जब इनने शुगर मिल नहीं लगाई तो खेतों में खड़ी की खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ी। इसके बाद 2018 के चुनाव पर जब उमा भारती रैली आई थी तब इन्होंने उस मंच पर कहा था कि हम यदि 2023 के चुनाव में हर 2023 के चुनाव के पहले हर घर में यदि हम रोजगार नहीं दे पाए तो अगली बार किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। खुद सोचिए आप, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। 2023 के पहले यदि एक भी रोजगार एक हर घर में एक रोजगार नहीं दे पाएंगे तो अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो आप खुद सोचिए कितनी झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं ये।
और एक भी रोजगार, एक सिंगल रोजगार भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया। आज 30,000, 40,000 से 45,000 लोगों का, युवाओं का यहाँ से पलायन हो चुका है केवल रोजगार के अभाव में। ये भी सामने आया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि चाहे बस स्टैंड के सामने एक मॉल बना हुआ है, गरीब और आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जे की भी तमाम खबरें सामने उड़ रही हैं, कितनी सत्यता है उसमें, क्या बात है? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ये गड़ाकोटा की बात है, बस स्टैंड के सामने एक मॉल है, तो ये सत्यता तो ठीक है, ये तो इसके प्रमाण है हमारे पास। आप चाहें तो मैं अब भी दिखा सकती हूँ, इसके प्रमाण है। ज़मीन की जो काफ़ी ज़मीन की जो दस्तावेज है वो मेरे पास हैं। वो सरकारी ज़मीन की सरकारी ज़मीन थी, उस पर इन्होंने अपना 200 करोड़ का मॉल बनाया है। तो अब निश्चित रूप से समय आ गया है अब वो मॉल को भी उखाड़ फेंकने का, और जितनी भी सरकारी ज़मीन है इनने कब्जा करी है। आज हम बुजुर्गों से पूछते हैं कि इनके पास 40 साल पहले क्या था, तो वो बताते हैं कि केवल एक छोटी सी टॉकीज थी और एक छोटी सी वो कार होती है वो थी, और आज उनकी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, विदेशों में तक बिजनेस चल रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया, किसका विकास किया आपने? खुद का विकास किया आपने, रोडें बनाई, रोडों पर रोडें बनाई, एक एक रोड पाँच पाँच बार बनी एक एक साल में। तो ये केवल और केवल पैसा खाने का काम किया है, और यही उनका विकास है। तो यही उनका विकास है, ये कहना है ज्योति पटेल का, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। और अब उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है, युवा भी साथ में आ रहे हैं, लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि विकास के नाम पर आखिरकार किसका विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है। और अब वो समय आ गया है कि जब इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंका जाए और एक बार कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। तो ये पूरा युवा जोश जो है लगातार अपनी बात बेबाकी से कहता हुआ मैदान में जा रहा है। आने वाली 17 तारीख को जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार वो किसके साथ है, किसकी बातें उसके मन के अंदर जा रही हैं, क्या चीज़ें वो सामने देख रही हैं, और कौन नेता उनसे उनको अपनी बातों से प्रभावित कर रहा है। आगने वाली 17 तारीख को वो अपना निर्णय दे देगा और फिर 3 तारीख को ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।